वेलकम बैक। तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं बी नेचुरल पे, सबने बहुत बहुत बधाइयां दी हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक मुझे गिफ्ट नहीं मिला है। 3 मिलियन पे गिफ्ट देना बनता है ना। मैं पार्टी दे चुकी हूँ लेकिन बदले में मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। कोई है इस दुनिया में जिसमें मैं बहुत प्यार और भरोसा करती हूँ लेकिन वो इंसान मुझे गिफ्ट ही नहीं देता है? 3 मिलियन हो गए, गिफ्ट देना तो बनता ही है ना। मैंने कब से बोला कि मेरे लिए क्या ला रहे हो, क्या ला रहे हो, ला दो, दे दो, कुछ तो दो यार, कोई तो दे, पर नहीं, कोई मानता ही नहीं है। तो गाइज, आपकी रेखा को 3 मिलियन पे कुछ नहीं मिला और इस बार मैंने डांस परफॉर्मेंस भी नहीं दिया। मेरा मन कर रहा है मैं दूं, आप बताओ, आप चाहते हो? कुछ सरप्राइज सरप्राइज रहते हैं। हाँ, तुम्हारे सारे सरप्राइज सरप्राइज ही रहते हैं। टाइम लगता है सरप्राइज को। क्या कहना चाह रहे हो बताओ फिर सामने, क्या कहना चाह रहे हो? मेरे लिए कोई सरप्राइज है? इतने दिनों से बोल रही हूँ। एक हफ्ते बाद मिल जाएगा तुम्हें, और क्या है बड़ा सा? एक हफ्ता लगेगा? एक हफ्ता लगेगा मतलब क्या है? ऐसा क्या है कि जिसको आने में एक हफ्ता लग जाए? फ्रिज तो नहीं है ना? प्लीज, युगांडा से तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, युगांडा से, वहां से आने में एक हफ्ता लगेगा। फ्रिज तो नहीं किया ना? लास्ट टाइम करवा चौथ पे बोल के गए थे मैं तेरे गिफ्ट लाऊंगा और लेके आ गए थे, ऑर्डर करके आ गए थे, फ्रिज मना करा। ऐसा कुछ दोबारा ऑर्डर मत कर देना कि मुझे मना करना पड़ जाए। तो बताओ ना, 3 मिलियन पे क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखें फटी फटी रह जाएगी। ठीक गाइस, तो एक काम करते हैं, हम लोग गैस करते हैं कि प्रिंस मुझे क्या गिफ्ट देने वाले। कुछ ऑप्शंस दो, हम लोग गैस करेंगे। ऑप्शंस हिंट दे दो ना, ऑप्शन नहीं दे रहा तो हिंट दे दो, आइडिया दे दो, इससे पहले कि आप लोग वीडियो में आगे बढ़े। पॉज करके अभी आप बताना प्रिंस क्या देने वाले हैं। वो किस चीज से रिलेटेड है? वो मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड है, कपड़ों से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, बेबी से रिलेटेड है? वो ऐसी चीज है, तुम अपनी हर वीडियो में उसका यूज तुम कर सकते। हर वीडियो में यूज कर सकती हूँ उस चीज। कैमरा, एक और कैमरा? वो है तो ऑलरेडी इतने सारे कैमरे भाई। वो तुम कैमरा यूज करोगी, वीडियो में नजर नहीं आएगा, वो वीडियो में नजर भी आएगा जितनी भी तुम वीडियोस बनाओगी, खास तौर पे बी नेचुरल की वीडियोस के लिए। बाबू, मुझे पता चल गया तुम क्या देने वाले हो। क्या? डायमंड रिंग। हर वीडियो में नजर आएगा, मैं पहनूंगी तो। आई हेट डायमंड, बट आई लव डायमंड। बाबू, तुमने मेरे को डायमंड रिंग कब दोगे? मुझे लग रहा है कि प्रिंस इस बार मुझे डायमंड ही देने वाले, पर डायमंड रिंग देने वाले हो या नेकलेस? आई थिंक नेकलेस महंगा महंगा होगा। एक हफ्ता ही लगता है भाई। अच्छा, डायमंड रिंग में एक हफ्ता नहीं लगता? हाँ, जाके खरीद लेते हैं ना, उसमें तो टाइम नहीं लगता। चलो गाइस, आप लोग अंदाजा लगाओ कि प्रिंस मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं। एक हफ्ता वेट नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा तो बता दो, बता दो तो ना उस गिफ्ट से। हाँ चलो हिंट देता हूँ, उस गिफ्ट में कई सारे नकली डायमंड लगे हैं। जाओ यार, नकली चीजें दोगे? नकली आदमी नकली हो तो मेरे को असली चीजें पसंद है। चलो, यही चीजें जो पीछे लगी हुई है, हिंट दे दिया, ऐसी चीज लगी हुई है। लो, इतना बड़ा हिंट दे दिया, कमेंट करके बताओ गाइस क्या है ये बेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू बेड ला रहे हो एक और? हैं, बेड क्यों भाई, हम पे तो है ना। तो ऐसी चीजें तो बेड में लगी रहती है या फिर सोफे में? सोचो सोफा तो है ऑलरेडी, सोफा क्यों लाओगे, पागल हो क्या? जगह नहीं है हमारे घर में रखने के लिए, हमारे घर में रखने की जगह नहीं है। सोचो सोचो, जो तुम वीडियोस में यूज कर सकती हो। प्रिंस ने ये हिंट दिया है डायमंड का, मेरे को तो पक्का लग रहा है प्रिंस इस बार मुझे डायमंड ही देके रहेगी। नाटक कर रहे हैं जैसा लग रहा है, क्या करें इसको। ओके गाइस, लास्ट वाली वीडियो को आपने, आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, क्वेश्चन आंसर, और हमने पोस्ट डाला है कि प्रिंस से आप क्या क्या सवाल जानना चाहते हो। तो बहुत सारे कॉमेंट है, यार आप लोग कितने नॉटी हो प्रिंस से, इतने गंदे गंदे सवाल के, इतने गंदे गंदे सवाल के, बस पूछो मत। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा प्रिंस, इसीलिए प्रिंस अपना इस ये ब्लॉग में आ नहीं रहे, वो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत गंदे गंदे सवाल किए हैं। मतलब हमें, हाँ, आपको बोल दिया कि हमसे कुछ भी पूछ लो, इसका मतलब हर किसी को बस एक ही चीज जाना है, SEX, इसके बारे में बता दो, ये बता दो। क्यों भाई, हमारी सेक्स लाइफ से आपको क्या दिलचस्पी है? उन लोगों से बात करी जो ये कॉमेंट कर रहे हैं, इतने सारे डाउट एक ही चीज के लिए। उस पोस्ट पे लाइक्स तो कम मिले हैं, जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना कमेंट्स कर करके तुमसे ज्यादा पूछे। हाँ यार, बी नेचुरल पे जितने लोगों ने कमेंट नहीं किया तो उससे ज्यादा कमेंट प्रिंस के लिए किए हैं, मानना पड़ेगा। चलो देखते हैं किस किस का नाम फ्लैश होता है और किसके सवालों के जवाब प्रिंस देते हैं इस बार। लेट्स सी, तो वो वीडियो बहुत जल्दी शूट हो जाएगी एंड देन आप एंजॉय करना। बाकी जो 108 सवाल के जवाब मैंने बी नेचुरल पे दिए थे, आधा दिखाया था आधा नहीं दिखाया था, तो बाकी आज की व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और चलो फिर देखते हैं प्रिंस क्या गिफ्ट लेके आते हैं। तो क्या गिफ्ट लेके नहीं आता, मैंने बोला ना युगांडा से तुम्हारे लिए आ रहे हैं।
योगांडा, हाँ योगांडा से आ रहा है। हाँ तुम कितना फेंकते हो भाई ना, फेंको फेंकता हूँ, इंसान। लो भाई उसको दिखा दूंगा, लिखा होगा योगांडा। हाँ दिखाना, योगांडा से ठीक क्या है लेके आ रहे, ठीक है, योगांडा में क्या मिलता है। वो नजर आ रहा हूँ। हे गाइस वेलकम बैक। रात के बज रहे हैं 11 और अभी अभी डिलीवरी हुआ है कुछ, मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसको देखा है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। प्लीज आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये सब प्रिंस ने डिजाइन किया है। खोलते हैं। लेफ्ट को दबाओ, लेफ्ट को ले दबाओ। हल्का यहीं खड़े कर दो, दीवार के साथ खड़े कर दो। दीवार के साथ नहीं, नहीं वो हम कर लेंगे। कितना मीटर का? 70-80। वेट कितना है? 70-80 किलो। अभी आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा, तो अभी करते हैं इसका ऑपरेशन चीड पार्ट। ऑपरेशन चीड पार्ट, अब प्रिंस खोलेंगे। संभल के बच्चा, संभल के, इतने एक्साइटमेंट की क्या जरूरत है। तो ये प्रिंस ने मेरे 3 मिलियन की खुशी में मेरे लिए बनवाया है, कि नॉर्मल सा बैकग्राउंड रहता है तुम्हारा। तो ये है प्रिंस का गिफ्ट फॉर 3 मिलियन। ओके तो अच्छी तरह बैठो पूरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड इट गाइस। आप लोगों को ये फ्रेंड्स का गिफ्ट कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स लुकिंग सो लग्जूरियस, बहुत तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। डिजाइन पीछे का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बी नेचुरल की सारी वीडियोस में यही शूट करूंगी। क्या लगता है हम लोग ऐसा दो ले ले क्या, कि एक ही काफी है। सो गाइस रात बहुत हो गई थी तो हम लोग फिर सोने चले गए, व्लॉग एंड नहीं कर पाए। और ये रेसिपी मैंने मॉर्निंग में शूट किया था, लेकिन बहुत सारी बातें थी जो कहना था मुझे, तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाली व्लॉग चैनल पे, थोड़े से हम बिज़ी हो गए थे। वी आर रियली सॉरी। और ये व्लॉग हमने काफ़ी पहले शूट कर लिया था और अब हम पोस्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको मेरे बाल आपको छोटे बड़े नज़र आएंगे जब प्रिंस ने कट कर दिया था। और नेक्स्ट डे मैं पार्लर गई थी और नेल एक्सटेंशन भी उस टाइम नहीं करवा रखा था, बाद में करवाया था। तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। एंड आज मैंने वीडियो डाली है मेल्टिंग ऑल लिपस्टिक्स टुगेदर, मतलब जिसमें मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स को एक साथ मेल्ट किया है। तो बी नेचुरल चैनल पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपने लिपस्टिक वेस्ट क्यों कर दी। तो यहाँ मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ आपको कि सारी लिपस्टिक को मैंने हल्का सा कट किया है, मेल्ट किया है, दोबारा से लिपस्टिक बना के यूज़ किया है, उसमें 1% भी वेस्टेज है ही नहीं। तो फिर क्यों कुछ लोग मुझे बाबा कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपने इतनी लिपस्टिक वेस्ट कर दी, इससे अच्छा गरीबों को दे देते। कौन सा गरीब लिपस्टिक लगाता है? और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी झूठी लिपस्टिक देना, मतलब मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि अब तक जितने भी गिव अवेज हुए हैं मैंने सबको फ्रेश चीज़ें ही दी है। हाँ मैं पार्लर में जब गई थी तब मैंने अपने यूज्ड प्रोडक्ट्स उनको दिए थे, क्योंकि पार्लर में तो वो एक ही चीज़ ही सबके ऊपर यूज़ करते रहते हैं। बट अभी लिपस्टिक मैं कैसे क्या यूज़ करूँ, मतलब मैं भी नहीं चाहती हूँ वेस्ट हो, मैं इसको अच्छा रिसोर्स करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ डोनेट कर सकती हूँ, मैं किसको दे सकती हूँ। सब्सक्राइबर को तो मैं आपको जब भी गिव अवे करती हूँ ब्रांड न्यू चीज़ें ही देती हूँ, यूज़ देने में मैं मुझे अजीब सा लग रहा है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें दे दो दे दो। मैं सोच रही हूँ उसके बारे में क्या करूँ, आप मुझे अच्छा सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ ऐसे जज मत करो कि मैंने लिपस्टिक वेस्ट कर दी, पैसे बर्बाद कर दिए, ये वो। अरे यूट्यूबर हूँ, मेरा काम है रिव्यू करना, चीज़ें आती हैं तो करना पड़ता है ना। पर वेस्टेज तो लिपस्टिक वाली वीडियो में तो 1% एक बूंद भी वेस्टेज थी ही नहीं। फिर इतना जजमेंटल आप लोग ना हुआ करें।
बातों बातों में खाना बन करके तैयार भी हो गया है। यमी यमी घर का हेल्दी खाना, पूरी हेल्दी नहीं है, ऑयली है, लेकिन कभी कभी चलता है, महीने में एक दो बार मैं खा लेती हूँ, दैट्स ओके, करना चाहिए कभी कभी चीट मील। बस मैं तो यही बोलती हूँ, बाहर का आपको कभी कुछ नहीं खाना, मतलब बहुत कम खाना चाहिए, कभी कुछ तो सब नहीं मानते हैं। बाहर जाओ तो बाहर का खा लो, लेकिन जब घर में हो तो घर का ही खाओ, बाहर का मंगा के मत खाओ, दैट्स वॉट आई हाईली रिकमेंड। तो चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन आंसर वीडियो के जो सवाल भी नेचुरल पे नहीं दिखा पाई थी। Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. आज मैं बी नेचुरल पर हूँ कि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रेखा ने पोस्ट डाला था बी नेचुरल के कम्युनिटी पोस्ट पे कि आप अतरंगी सवाल पूछ सकते हैं। Do you find your husband irritating? Never. He's so loving, Never, charming. My ever, prince, charming ever. husband. ऐसे कैसे लोग कुछ कमेंट कर भी देते तो उसे क्या सोचते हैं वो लोग? He is the best husband, best person in this whole wide world. लेकिन मेरी सासू ने बोला है कि जैसे उनको गुड न्यूज मिलेगी वो फटाफट दौड़ी दौड़ी आ जाएगी अपने पोते पोती के लिए। आपने कभी अपने स्कूल टाइमिंग में फर्स्ट बेंचर होगा मेरे ख्याल से फर्स्ट बेंचर काइंड ऑफ स्टूडेंट थी या लास्ट बेंचर मतलब सीरियस टाइप पच्ची या तूफानी? मैं इंट्रोवर्ट शाय धब्बू सी लड़की हुआ करती थी और स्टडीज में एवरेज गर्ल। धब्बू नहीं डब्बू। धब्बू 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 नहीं चलो आप ही बता। धब्बू 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 धब्बू। क्या कभी बांग्लादेश में आए थे और कभी आओगे घूमने? प्लीज आंसर। आई नहीं थी पर डेफिनेटली आना चाहूंगी। मैरिड लाइफ अच्छी है या अनमैरिड वाली बताओ? अनमैरिड से पहले जो बचपना था ना, बचपन के दिन बहुत अच्छे थे और शादी के बाद अब के दिन बहुत अच्छे हैं। कितनी रेखा दी, व्हेन विल दैट डे कम इन व्हिच यू एंड प्रिंस जीजू विल बिकम अ ब्रांड एंबेसडर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट? प्लीज पॉजिटिवली रिप्लाई बाय क्वेश्चन दी। ओके दिए उन्होंने तीन चार किसी दिए स्मेली दिए हार दिए दो बार नमस्ते किया नमस्ते कर दो नमस्ते कर दो। Stay blessed, successfully, healthy, happy ever. यार को बिना तो ब्रांड एम्बेसडर हम तो मतलब तैयार है आपका चीजों पे दम होना चाहिए। मैं तो ज़ारा का बनूंगा। हाँ प्रिंस ज़ारा। मैं किसका बनूंगी? मैं ज़ारा का बनूंगा। BMW, Mercedes, Jaguar. मेरा पता नहीं। Ferrari. किस सवारी? YouTube की ब्रांड एम्बेसडर यार YouTube वालों कभी तो बना लो। Your favorite color or what's your real name? मेरे को सारे रंग पसंद हैं, जिंदगी में रंग हो तो जिंदगी रंगीन हो जाती है। और क्या सवाल था? Your real name? रेखा। आप इतने kind hearted क्यों हो? ये तो देखने वाले की नजर में है। आपको ऐसा लगता है मैं kind hearted हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत गंदी हूँ, तो ये बस आपका प्यार है। मैं आप अपने से अच्छा करती हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। बट अगर कहीं कभी कोई गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके माफ करती हूँ।